नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C25s versus Xiaomi Redmi Note 11 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो C25s में 6.48 इंच जबकि Redmi Note 11 4G में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है जो कि C25s से कम है। विड्थ की बात करें तो C25s में 2.99 इंच जबकि Redmi Note 11 4G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है जो कि C25s से कम है। बात करें थिकनेस की तो C25s में 0.38 इंच जबकि Redmi Note 11 4G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो C25s में 209 ग्राम जबकि Redmi Note 11 4G में 179 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो C25s में IPS LCD जबकि Redmi Note 11 4G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो C25s में 6.5 इंचेस जबकि Redmi Note 11 4G में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन C25s में 720x1600 और Redmi Note 11 4G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो C25s में 81.7% जबकि Redmi Note 11 4G में 84.64% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो C25s में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि Redmi Note 11 4G में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो C25s में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi Note 11 4G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो C25s में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi Note 11 4G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो C25s में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Redmi Note 11 4G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो C25s में Mali G52 MC2 जबकि Redmi Note 11 4G में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो C25s में MediaTek Helio G85 और Redmi Note 11 4G में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो C25s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB की RAM मिलती है जबकि Redmi Note 11 4G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB, 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो C25s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi Note 11 4G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो C25s में अप टू 256GB जबकि Redmi Note 11 4G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी C25s में 6000 mAh जबकि Redmi Note 11 4G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो C25
C25S में दो कलर्स जबकि Redmi Note 11 4G में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो C25S में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi Note 11 4G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस, 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme C25S में तीन फायदे और तीन नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 11 4G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 11 4G आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 11 4G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में C25S आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है, दूसरा Moto G22 4G है, तीसरा Tecno Spark 9 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Motorola G31 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।